हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। सो गाइस, आज की इस वीडियो में जानेंगे लेथ मशीन का क्रॉस स्लाइड स्क्रू कैसे बनाया जाता है दोस्तों, कैसे उसको चेंज किया जाता है। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास तौर पर ऐसे एम्प्लॉयज के लिए जो लेथ मशीन ऑपरेटर है और टूल रूम सेक्शन में काम करता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विनोद चौहान एक बार फिर से आज के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेथ मशीन का क्रॉस स्लाइड स्क्रू कैसे बनाया जाता है और उसको कैसे चेंज किया जाता है। दोस्तों, टूल रूम डिपार्टमेंट में लेथ मशीन पर काम करने वाले सभी ऑपरेटर्स को पता होता है कि कैरिज में लगा क्रॉस स्लाइड स्क्रू हर 2-3 साल में चेंज होना चाहिए। काफ़ी प्ले हो जाता है दोस्तों, और हम लोग एक्चुअल रीडिंग नहीं ले पाते, जिसके कारण हमारा जॉब रिजेक्ट हो जाता है। इसको बनाने के लिए हमें दोस्तों N24 मेटल हम यूज करेंगे और इसका थ्रेड का जो डायमीटर है एज पर नट बनेगा, और इसका जो हमारा पिच रहता है दोस्तों वो हमारा 2.5 mm के आसपास रहता है।